10 लाख लोगों को नौकरी देगी और 10 लाख लोगों को रोजगार पैदा करने के लिए अवसर बनाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के फिर से एक नई वीडियो में। अगर आप बिहार से हैं, मैट्रिक या इंटर पास हैं तो अपने जिले में ही कार्य करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए वीडियो यूजफुल है। जी हाँ दोस्तों, बिहार में एक नई भर्ती निकल कर आ रही है जिसकी योग्यता अगर रखा गया है तो मैट्रिक और इंटर पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सैलरी आपको 6,000 रुपये प्लस आपको मिलने वाला है। तो चलिए देरी किए बिना करते हैं वीडियो का स्टार्ट। वीडियो में समझेंगे क्या इसको लेकर जानकारी निकल कर आ रही है, कौन से विभाग तरफ से भर्ती आ रही है और कौन से पदों पर आपको भर्ती मिलने वाली है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए देरी किए बिना करते हैं वीडियो का स्टार्ट। तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें, जो भी भर्ती को लेकर प्रक्रिया हो रही है एक पेपर कटिंग से माध्यम से जानकारी निकल कर रही। पेपर कटिंग 14 मार्च 2023 को पेपर कटिंग रिलीज किया गया है। यहाँ देख सकते हैं बताया गया है 32 जिले के 100 प्रखंडों में खुलेंगे सामुदायिक करियर विकास केंद्र। ठीक है, 32 जिले के 100 प्रखंड में खुलेंगे सामुदायिक विकास केंद्र। अब इसका जानकारी कैसे मिल रहा है, किस प्रकार से भर्ती होगी, यहाँ समझेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। बताएगा और सूचित प्रश्न के जवाब में ग्रामीण विकास के मंत्री विधान परिषद में दी इसकी जानकारी। ठीक है, जो ग्रामीण विकास के मंत्री यानी श्रवण कुमार जी इसकी जानकारी दी है। अब चलिए बारी बारी से इसका पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ते तो सारी जानकारी समझ में आ जाएगी आप लोगों को कौन सी प्रकार की भर्ती है। बताया गया राज्य के 32 जिले के 100 प्रखंडों में सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र खोले जाएंगे। ठीक है, यानी आपके जो बताया निकल कर रही है, अपडेट निकल कर रही है, जिले के यानी 32 जिले के 100 प्रखंडों में सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र खोले जाएगा। इसका संचालन जो करेंगे जीविका दीदी करेंगे। ठीक है, जो भी इसका देख रेख यानी जो भी इसकी प्रक्रिया होगी वो जीविका दीदी करेंगे। बताया गया लाइब्रेरी संचालन करने वाली जीविका दीदी को 6,000 रुपये प्रति मानदेय मिलेगा। ठीक है, जो भी लाइब्रेरी के संचालन करेंगे जीविका दीदी उसको 6,000 रुपये प्रति मानदेय मिलेगा। ठीक है, प्रति महीना मानदेय मिलेगा 6,000 रुपये मासिक मानदेय। ठीक है, हम आपको बता दें इसमें जो भर्ती की प्रक्रिया लिया जाएगा यानी कि लेडीज को लिया जाएगा यानी कि औरत को, देख सकते बताएगा जीविका दीदी करेंगे लाइब्रेरी का संचालन, उसको 6,000 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। बताएगा सर्वेश कुमार एवं निवोदित सिंह के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में ग्रामीण विकास के जो मंत्री है श्रवण कुमार ने विधान परिषद में इसकी जानकारी दी है। ठीक है, इसकी जानकारी दी है। अभी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं निकल कर रही कब तक भर्ती आएगी, लेकिन एक पेपर कटिंग से माध्यम से निकल कर रहे हैं। और भी जानकारी इसमें दिया गया है, समझिएगा ध्यान से सुनिएगा। बताया गया मंत्री ने कहा कि बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राज्य के 32 जिलों के 100 प्रखंडों में संकुल स्तर पर सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र की स्थापना की जा रही है। प्रश्नकर्ता ने जानना चाहा कि क्या लाइब्रेरियन की नियुक्ति की पुस्तकालय संचालन के लिए नहीं की जा सकेगी। इस पर मंत्री ने कहा कि जीविका समूह से अगर कोई लाइब्रेरियन जुड़ी होंगी तो उनका चयन किया जा सकता है, लेकिन उनको मानदेय मात्र 6,000 रुपया ही मिलेगा। मानदेय कम होने के कारण ट्रेड अभ्यर्थी इस पुस्तकालय में नहीं आना चाहते हैं। इसके लिए मैट्रिक पास वाले ही लाइब्रेरी की देखभाल के लिए रखा जाएगा। विनोद कुमार ने जायसवाल के तारीखित प्रश्न के जवाब में ग्रामीण विकास के मंत्री यानी कहा है कि सामान्य जिले में गरीबी को मकान बनाने के पर 1,20,000 जबकि नक्सल प्रभावित जिलों में 1,30,000 दिए जाते हैं। 2011 के जनगणना के प्रतिक्रिया सूची के अनुसार बीपीएल परिवार को मकान बना रहे हैं, नियमानुसार परिवार को किसी एक सदस्य के नाम पर ही मकान बनाए जाने हैं। ठीक है, इसके लिए यही अपडेट निकल कर रही है। पूरा अपडेट हम पढ़ेंगे नहीं, अगर आपको पूरा अपडेट पढ़ना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप वहाँ से लेकर ये पेपर कटिंग पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। बस अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, जो भी विधान परिषद में जो भी ग्रामीण विकास के मंत्री श्रवण कुमार ने इसकी जानकारी दी है। अब देखते हैं कब तक इसकी भर्ती आई है। बताया कि संचालन करने की जिम्मेदारी जीविका दीदियों की होगी, लाइब्रेरियन का चयन जीविका समूह से ही किया जाएगा। ठीक है, और मैट्रिक पास होने पर ही लाइब्रेरियन की देखभाल के लिए रखा जाएगा, जो भी औरत मैट्रिक पास होगी उन्हीं को रखा जाएगा लाइब्रेरियन की देखभाल के लिए। ठीक है, बताएगा अगले वित्तीय यही अपडेट निकल कर रही है, आप एक बार पेपर कटिंग पढ़ लीजिएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन होकर। तो चलिए वीडियो करते हैं समाप्त, वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा। अभी ये भर्ती से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, बस ये अपडेट आ रहा है। ठीक है, जो भी अपडेट आ रहा है वो जो श्रवण कुमार जो मंत्री ग्रामीण विकास के उन्होंने ये अपडेट दिया है कि जल्दी खोला जाएगा यानी कि 100 प्रखंड में सामुदायिक करियर विकास केंद्र। चलिए वीडियो करते हैं समाप्त।